नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। मानदेय ना मिलने से नाराज आशा कार्यकर्तियों ने बासी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर घंटों धरना प्रदर्शन किया। बाद में काफी समझाने बुझाने के बाद इन लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खोला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में ताला बंद कर प्रदर्शन करने के अपने इस निर्णय के बारे में बताते हुए आशा कार्यकर्ती ने कहा कि मार्च माह से सिर्फ उन्हें 2000 का भुगतान दिया गया था। उसके बाद से अभी तक किसी भी आशा कार्यकर्तियों को पैसा नहीं मिला है। आशा नैना दुबे ने बताया कि उनके वेतन के अलावा सरकार की जिन योजनाओं का लाभ उनके द्वारा महिलाओं और बच्चों को मिलना है उसका भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें क्षेत्र में तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। इनका कहना है कि आशाओं से सिर्फ काम ही लिए जाते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। इतने काम के बावजूद भी अगर पैसा ना मिले तो फिर दिक्कत तो होगी ही। इनका कहना है कि कई बार इन लोगों ने उच्च अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन बजट ना होने के बाद कहकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पी के अग्रवाल का कहना है कि इस प्रदर्शन के बारे में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज से बात की है और वे लगातार आशाओं के संपर्क में। उन्होंने कहा कि बजट ना होने से पूरे प्रदेश में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस महीने में ही बजट आ जाएगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, हम आशा बहू के पद पे तैनात हैं। हमारा नाम नैना दुबे है, ग्राम महुआ कलाते हैं। सर, ताला इसलिए लगा है, मार्च महीने में जो भुगतान हुआ सिर्फ 2000 का भुगतान हुआ है, उसके बाद से कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और फिर जो जेएसवाई करा रहे हैं उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। पीएर एजुकेटर का बच्चों का वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। अगर हम जाते हैं फील्ड में निकलते हैं तो लाभार्थी कहते हैं हमारा पैसा आशा खा गई है, वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कोई काम करने जाओ तो कहते हैं आशा आई है, अरे ये आई है जरूर पैसा लेगी। यहाँ करो कोई काम तो ये लोग कहते हैं अभी बजट नहीं है, बजट नहीं है तो बजट मैंने 5 महीने से काम कर रहे हैं तो बजट कहाँ चला जा रहा है, क्यों नहीं बजट है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हमारा पैसा मिले, जेएसवाई पैसा मिले, बच्चों का पैसा मिले। जो काम कर रहे हैं काम का हमारा भुगतान तो होना चाहिए। एक को दिन छुट्टी नहीं मिल रहा है, काम पे काम लिए जा रहे हैं तो भुगतान तो चाहिए हमें कि नहीं चाहिए। किसी के घर इसी के ऊपर बैठे हैं अगर तो बंदा कैसे खाएगा पिएगा। खेती आ गई, एडमिशन आ गया, बच्चों का क्या क्या आ गया, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए। उच्च अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया क्या? अधिकारियों को हम कई लोगों को पता आज बात कर रहे हैं, 8-8 दिन पे आके बजट आएगा डाल देंगे। पिछले सोमवार को भी आए थे नौगढ़ वाले, अधिकारियों को नहीं कराया। सर, हम ये बसंतपुर बासी ब्लॉक की आशा बहू हैं। हम यहाँ पे सर मार्च से अभी तक, मार्च में सिर्फ 2000 पेमेंट हुआ था, उसके बाद अभी तक 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है। और इस पे हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बजट बता दीजिए कि मार्च अप्रैल में कितना बजट आया था, यहाँ पे 1 लाख आया, 10,000 आया, सिर्फ लिखित दे दीजिए कितना बजट आया था, हम लोग को संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन न लिखित दे रहे हैं, न कोई बजट बता रहे, सिर्फ कह रहे हैं बजट नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, पैसा कहाँ गया? कितने दिनों से आप लोग ये धरना दे रही हैं? सर, मार्च से ही बात कर करके थक गए, आज मजबूरन हमें ये धरना देना पड़ा। जिले के मुख्य अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया है? जी। क्या हुआ वहाँ पे? सर, वहाँ पे यही कहा गया है कि आप लोग पता कीजिए, जो यहाँ पे बजट आया था बजट का ब्यौरा चाहिए हमें, कहाँ है बजट। मुझे जानकारी मिली इसके बारे में और मैंने वहाँ के अधीक्षक से बात किया है और मैंने कहा अगर जरूरत हो तो मुझे आशाओं से बात कराइए। आशाओं का मानदेय या NHM में बहुत सारे कार्यक्रमों में इस समय बजट नहीं आया है, तो कुछ कुछ उनका बकाया हो सकता है। लेकिन केवल बसंतपुर की बात नहीं है, पूरे जिले में पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि बजट का अभी प्रभाव है, राज्य सरकार से अभी बजट नहीं आ पाया है फिलहाल। इसी महीने में बजट आ जाएगा, मैंने कहा है। हाँ, खुल चुका है बात, हमारी खुल चुका है, आशाओं से बात की गई है। मैंने उनको ऑफर दिया है कि अगर कोई आपको समस्या है, आप संतुष्ट नहीं है, तो 16 जुलाई को आप मुझसे बात करें। तो मैंने उनको बुलाया बात करने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है।